हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 81 नॉलेज 507 चैनल। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ विश्व भूगोल के टॉप 15 क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके विश्व भूगोल के टॉप 15 क्वेश्चन तैयार हो सकें, और वीडियो को लाइक कर दें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन कहता है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो पहला है बाल्टिक सागर में, दूसरा है काला सागर में, तीसरा है दोस्तों कैरेबियन सागर में, और चौथा है कैस्पियन सागर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों, बाल्टिक सागर जो है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस दोस्त को या जिस स्टूडेंट को बताओ आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। जेम्स जीन्स पहला है, दूसरा है एच ओलवेन, तीसरा है एफ हाइल, और चौथा है ओ स्मिट। तो जो चौथा वाला ऑप्शन है, ओ स्मिट ने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है, चौथा वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा दूसरे का। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि डायनासोर थे, पहले चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है सीनोजोइक सरीसृप, दूसरा है मीसोजोइक पक्षी, तीसरा है पोलियोजोइक एस्फीबिया, और चौथा है दोस्तों मीसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर जो थे दोस्तों वो मीसोजोइक सरीसृप थे, यानी चौथा वाला ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है मालाहारी, दूसरा है गोबी, तीसरा है सहारा, चौथा है थार। तो जो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि राजाओं की घाटी अवस्थित है, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। पहला है मिस्र में, दूसरा है नाइजीरिया में, तीसरा है यूनान में, चौथा है तुर्की। तो राजाओं की जो घाटी अवस्थित है दोस्तों वो यूनान में अवस्थित है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है टीटिकाका, दूसरा है विक्टोरिया झील, तीसरा है बैकाल झील, और चौथा है मृत सागर। तो दोस्तों जो बैकाल झील है वो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों सही हो जाएगा छठे का। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायोमेंटिना स्थित है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है उत्तरी ध्रुवीय महासागर। तो दोस्तों जो हिंद महासागर है उसमें, यानी उस महासागर में डायोमेंटिना स्थित है, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सातवें का दोस्तों। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या कहता है अगला सवाल। कहता है कि ओजोन परत अवस्थित है। तो इसमें दोस्तों चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है क्षोभ मंडल में, दूसरा है क्षोभ सीमा में, तीसरा है समताप मंडल में, और चौथा है दोस्तों प्रकाश मंडल में। तो जो ओजोन परत अवस्थित है दोस्तों वो समताप मंडल में अवस्थित है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या कहता है अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 10 से 20 किलोमीटर, दूसरा है 40 से 50 किलोमीटर, तीसरा है 70 से 80 किलोमीटर, और चौथा है दोस्तों 110 से 120 किलोमीटर। तो जो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 40 से 50 किलोमीटर, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पहला है विषुवत रेखा के पास, दूसरा है कर्क रेखा के पास, तीसरा है मकर रेखा के पास, और चौथा है ध्रुवों के पास। तो दोस्तों जो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं वो विषुवत रेखा के पास अधिकतर घने वन अधिकतर मिलते हैं, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या कहता है अगला सवाल देखते हैं। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। पहला है उत्तरी ध्रुव पर, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव पर, तीसरा है भूमध्य रेखा पर, और चौथा जो दोस्तों कहता है कहीं नहीं। तो जो वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर, वर्ष भर रात और दिन जो बराबर होते हैं दोस्तों वो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों सही हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है दोस्तों हमसे कि दिन रात जिस कारण होते हैं वो है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है भू परिक्रमण, दूसरा है भू परिभ्रमण, तीसरा है पृथ्वी अक्ष के झुकाव, और जो डी वाला ऑप्शन है 91° पश्चिम। तो दिन रात जिस कारण होते हैं दोस्तों वो भू परिभ्रमण के कारण होते हैं, यानी बी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों सही हो जाएगा।
अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो स्थापित होते हैं दोस्तों वो वायुमंडल में स्थापित होते हैं, यानी थर्मोस्फियर, यानी डी वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, पहला है मध्यमंडल में, दूसरा है समताप मंडल में, तीसरा है क्षोभ मंडल और चौथा है वायुमंडल। तो जो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो स्थापित होते हैं दोस्तों वो वायुमंडल में स्थापित होते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला कहता है चीन में, दूसरा है मलेशिया में, तीसरा है कंबोडिया और चौथा है लाओस। तो एशिया की विशाल नदी मेकांग जो नहीं बहती है दोस्तों वो मलेशिया में नहीं बहती, यानी बी वाला जो ऑप्शन हो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कहता है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है दोस्तों? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है हेलीफैक्स, दूसरा है शिकागो, तीसरा है सियाचिन और जो चौथा है यानी लास्ट वाला बर्खोयांस्क। तो विश्व का सबसे ठंडा जो स्थान है दोस्तों वो बर्खोयांस्क है, यानी डी वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे।